भाई सूप तो सूप है, छलनी भी हाजिर रही है जिसमें खुद 72 छेद है। तो जिन लोगों ने 5 साल एक परीक्षा नहीं करवाई, पीटी नहीं करवा पाए, एक परीक्षा मैं कहती हूँ, एक परीक्षा नहीं, अब वो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो राजनीतिक लाभ तो वो लोग भी लेना चाह रहे हैं, प्रायोजित है एक तरीके से, वो भी ले रहे हैं, आप लोग भी ले रहे हैं। आप जैसा बोलिए। चलिए, बहुत शुक्रिया राज सिंह। और हमारे साथ हैं पूर्णिमा नीरज सिंह जो झरिया से कांग्रेस के विधायक हैं। मैडम, एक चीज़ मुझे बताइए, जो अभी तो हालांकि एक दिन बाकी है इस सत्र में, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया हाउस के भीतर, उससे कितना सहमत हैं आप? चाहे वो जेपीसी का मुद्दा हो या पिछड़ों, और जो उन्होंने कहा कि जो अब तक पीछे थे उनको आगे ला रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी सरकार ऐसा कर रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सारे बयान दिए हैं, कहीं से हम वास्ता रखते हैं, कहीं से हम नहीं रखते हैं, और प्रयास तो सरकार अपनी तरफ से कर रही है, प्रयास कर रही है कि जो मुख्य धारा में नहीं है लोग, उन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुख्य धारा से छूट जा रहे हैं उनको भी पकड़ने की आवश्यकता है। मैं भाषा की बात कर रही हूँ। ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आप लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वो प्योर हिंदी पट्टी है, हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, और कास्ट भी ये, क्योंकि मनुवादी वाली बात भी सीएम ने हाउस के भीतर कही है, तो आप, हाँ आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप तो लड़ती हैं, आप अलग पार्टी से लड़ती हैं, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? नहीं, मनुवाद वाली जो बात है, मैं उस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, और रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक पद पे पहुंच गई हूँ तो ना मैं किसी प्रिंसिपल की बात कर सकती हूँ। मेरे लिए सिर्फ एक और एक प्रिंसिपल होगा, वो होगा मानवतावाद का। मेरे लिए सब, हर कोई बराबर होगा, हर कोई धर्म जाति विशेष कुछ नहीं होगा, ना कोई जेंडर अलग होगा, सब मेरे लिए, और मैं सबको एक ही नज़र से देखूंगी। पूर्णिमा नीरज सिंह, चूँकि 29 दिसंबर में बहुत वक्त बचा नहीं है मैम, आज के 6-7 दिन बाद जो है आप लोग 2 साल पूरा कर चुके होंगे इस राज्य में, आप एज ए विधायक कितनी संतुष्ट हैं अपने क्षेत्र की जनता से, जो आपने वायदे किए थे उसको पूरा कर लिया? मैंने अपने क्षेत्र की जनता से बहुत, क्योंकि मेरा क्षेत्र वाकई में जो है गैर अनुसूचित होकर भी, जिलों में होकर, और धनबाद आप जान रहे हैं कि, और वाकई में वो बहुत पिछड़ा था, और एक अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, जो समस्या वहाँ की है जो 100 सालों से है, तो उसको मैंने लेकर कई वायदे किए थे, और कई सारी चीज़ें वहाँ धरातल पर उतर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज झरिया में लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की सड़कें बनने जा रही हैं, वहाँ पर जो पास हो चुकी हैं वो बनेंगी। वहाँ CHC की बात की थी, अस्पताल का लगभग मैं काम कर रही हूँ। आपको वहाँ पर अंचल कार्यालय आज तक नहीं था, उसका DPR बन रहा है। मेरा जो कॉलेज था वहाँ का एक धरोहर है, जो 60 साल पुराना कॉलेज, जहाँ वहाँ के कई माननीय सदस्य पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं, उस कॉलेज को उठाकर जंगल में भेज दिया गया, उसको मैं वापस ले आई, उसका DPR तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े काम हैं वो जो वहाँ के क्षेत्र के जनता के हैं, जो जिस एजेंडा को मैं लेकर आई थी, वो कहीं ना कहीं बहुत धरातल पर उतर रहा है, और अगले 1 साल में वो लोगों को नज़र आने लगेगा। पूर्णिमा जी, जो लिंचिंग को लेकर बिल आया है, आज अभी तो बिल आया है, इसमें कई सारी जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए संशोधन के लिए, आप क्या मानते हैं कि लिंचिंग पे देश के भीतर या राज्यों में इस तरह के कानून आने चाहिए? देखिए, जो लिंचिंग पे बिल आया है वो ऐसा नहीं है कि आज राज्य सरकार का मन किया या किसी राजनीतिक लाभ के तहत बना दिया। जो लिंचिंग की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई हैं कानून बनाने के लिए, उसी के तहत ये बन रहा है। जैसे कई लोग, कानून तो है ऑलरेडी, पहले से है, फिर क्या ज़रूरत आन पड़ती है राज्य सरकारों को कि इस तरह, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या किसी दूसरे राज्यों में हो, क्यों ज़रूरत आन पड़ती है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी अभी कानून है कहीं ना कहीं प्रभावी नहीं है उस तरीके से। अगर आप विशेष करके, अगर कोई ऐसी घटना होती है और उसको लेकर प्रभावी आपको बनाना है, विशेष करके जब ये घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसे कानून के भी बदल जाने चाहिए और कानून बनने भी चाहिए जो उनके अगेंस्ट प्रभावी हो सकें। आखिरी में मेरा ये सवाल है, JPSC के बारे में आप क्या राय रखती हैं कि JPSC में क्या PT की परीक्षा, हालांकि अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं, PT का ये परीक्षा फल है, PT के रिजल्ट में आपको क्या लगता है कि कुछ हुआ है? एक प्रश्न आपसे भी पूछती हूं, पूछिए। कि लोग गए सुप्रीम या हाईकोर्ट गए ना, हाईकोर्ट ने क्या बोला? नहीं, ये आप लोग दलील दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जो वहाँ पिटीशन डाला गया था उसमें ये चीज़ नहीं कहा गया था, उन्होंने कुछ सवालों को लेकर सवाल उठाया गया था, ये नहीं कहा था कि एक सीरियल में रोल नंबर आ गया, 2 जिलों में खास सेंटर से इस तरह का हुआ है। तो हाईकोर्ट तो जो उस समय डाला गया था उसको, उसके आधार पे उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको खारिज कर, लोग स्वतंत्र हैं फिर से जाने के लिए, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने मेंस पे जो है रोक नहीं लगाई है, तो होने दीजिए। अच्छा। और जहाँ तक एक बात और कहूँगी कि भाई सूप तो सूप है, छलनी भी हाजिर रही है जिसमें खुद 72 छेद है। तो जिन लोगों ने 5 साल एक परीक्षा नहीं करवाई, पीटी नहीं करवा पाए, एक परीक्षा मैं कहती हूँ, एक परीक्षा नहीं, अब वो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो राजनीतिक लाभ तो वो लोग भी लेना चाह रहे हैं, प्रायोजित है एक तरीके से, वो भी ले रहे हैं, आप लोग भी ले रहे हैं। आप जैसा बोलिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थी पूर्णिमा नीरज सिंह, झरिया से कांग्रेस के विधायक।